भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कर कमलों द्वारा शहर के लालबाग चौराहे पर किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा लालबाग पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई राष्ट्र सेवा व पार्टी सेवा के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा अटल जी के जुड़े संस्मरणों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की गई है। कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र के मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को भी विस्तार से गिनवाया तथा जन सामान्य से सांसद व भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को पुनः भारी विजय दिलवाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम को सांसद राजेश वर्मा ने संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श बताया और उनके साथ उनके प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला है। केवल एडवोकेट ही नहीं थे, वो सच्चे पत्रकार भी थे। पत्रकारिता जगत में सब जानते हैं कि अखबार हिंदुस्तान में पांच जन के नाम से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको भी मजबूत करने का काम पूज्य अटल जी ने किया था। और पूज्य अटल जी की कविताओं के बारे में, कविता का मंच हो पूज्य अटल जी के बारे में चर्चा ना हो, यह संभव नहीं है। पूज्य अटल जी ने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसमें यही कांग्रेस पार्टी के लोग मजाक बनाते थे, संसद में एक बार भारतीय जनता पार्टी के केवल दो एमपी चुन करके गए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकारें चलती थी, कांग्रेस पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की मजाक बनाते हुए कहा था ये हम दो हमारे दो, ये परिवार नियोजन के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चल रही। आज भारतीय जनता पार्टी पूज्य अटल जी के आशीर्वाद की बदौलत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। कार्यकर्ताओं के लिहाज से हम कह सकते हैं कि पूज्य अटल जी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अधिवेशन में अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और प्रचंड बहुमत से आज कमल पूरे राष्ट्र में खिल रहा है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है।